हेलो फ्रेंड, संगीता'स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आवोकाडो टोस्ट बनाएंगे। तो आवोकाडो टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड की स्लाइस बना लेते हैं। तो ब्रेड है ना, वो आप कोई भी ले सकते हो। तो ये ब्रेड जो मैंने लिया है ना, वो बाहर से थोड़ी सी हार्ड होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। तो उससे है ना, गार्लिक ब्रेड भी अच्छी बनती है और आवोकाडो टोस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो हम ब्रेड की स्लाइस थोड़ी सी थिक रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड को कट करके इस तरह से स्लाइस बना लिया है। तो ये ब्रेड के ऊपर हम गार्लिक वाला बटर लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक लिया है अनसोल्टेड बटर की स्टिक लिया है। तो पूरी की पूरी स्टिक में यूज कर लूंगी, क्योंकि ब्रेड की स्लाइस भी ज्यादा है तो एक स्टिक यूज हो ही जाती है। तो पूरी की पूरी स्लाइस मैंने बाउल में डाल दिया है। ऊपर से डालेंगे नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर। तो आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो गार्लिक को क्रश करके वो भी आप डाल सकते हो। और ये बटर है ना, थोड़ा सा हार्ड वाला है क्योंकि मैंने अभी फ्रिज में से निकाला है। तो ये बटर को हम थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं आधे मिनट के लिए। तो बटर हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो ये गार्लिक वाला बटर है ना, वो हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। दोनों साइड हम लगाएंगे ताकि आवोकाडो टोस्ट है ना और टेस्टी बने। तो इस तरह से दोनों साइड पर हम बटर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गार्लिक वाला बटर ब्रेड पर लगा लिया है। तो आवोकाडो टोस्ट बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज का आवोकाडो लिया है। तो आवोकाडो को हम कट कर लेते हैं। तो एक आवोकाडो को हमने कट किया था, आप देख सकते हो एक बाउल भर के हमारा मैश किया हुआ आवोकाडो है। तो एक बड़े बाउल में हम ये आवोकाडो डाल देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना क्रश किया हुआ लहसुन। आधा कप डालेंगे फ्रेश धनिया। 2 हेलोपिनो को हमने कट कर लिया था, वो भी डाल देते हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। ऊपर से आधा नींबू निचोड़ देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा आवोकाडो का मसाला बन गया है। तो चलिए हम ये आवोकाडो का मसाला है ना, वो ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं। जितना आपको आवोकाडो पसंद है उतना आप ब्रेड पर लगा सकते हो।
तो मैं सिर्फ अवोकाडो ही डालूंगी। अगर आपको ऊपर चीज डालना पसंद है तो चीज भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने पूरी ट्रे में एवोकाडो लगा लिया है। तो चलिए हम ये ट्रे ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं। तो दूसरी साइड मैंने ओवन प्री हीट करने के लिए भी रख दिया था, तो ओवन भी गर्म हो गया है। जब तक ये ब्रेड क्रिस्पी करारी ना हो जाए तब तक हम ये एवोकाडो टोस्ट को बेक करेंगे। तो 10 से 15 मिनट में ये टोस्ट बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो टोस्ट क्रिस्पी करारा भी बन गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैंने 15 मिनट के लिए ये एवोकाडो टोस्ट को बेक किया था। तो ऊपर से मैंने डाला है रेड चिली फ्लेक्स और पार्सली फ्लेक्स। गरम गरम बना के तुरंत सर्व कीजिए, खाने की मजा ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।